सो है व्हाट्सएप चैंपियंस। तो लीड कोड 150 सीरीज की ये पहली वीडियो है, तो इस सीरीज में मैं ट्राई करूंगा जो भी लीड कोड के टॉप 150 क्वेश्चन है उनको वन बाय वन सॉल्व करने का, ठीक है। और ट्राई करूंगा कि काफी अच्छे से आपको हर एक क्वेश्चन का लॉजिक समझा पाऊ। ओके, तो आज हम पहला क्वेश्चन करने वाले उसमें से, जो कि है मर्ज सॉर्टेड एरे करके, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें टोटली चार चीजें गिवन है, हमारे दोनों एरेज और उनकी लेंथ, ठीक है। और जो दोनों जो एरेज है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। और एक एडिशनल चीज, जो हमारा नम्स वन है उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जीरोस देखे रखे, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देखे रखी है, जो भी है जो इसके लेंथ जितनी है, मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ है 3, तो यहाँ पे एंडिंग में 3 जीरोस ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हम एक ऐसा कर सकते हैं कि एक पॉइंटर रखेंगे हम इधर स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर रखेंगे हम इधर, और एक टेम्पररी एरे ले लेंगे एम्प्टी एरे, और देखेंगे इन दोनों में से जो छोटा रहा उसको इसमें अपेंड करते चलेंगे, सिंपल। तो ऐसे ही हमें दोनों एरे मर्ज हो जाएंगे और सॉर्टेड एरे मिल जाएगा, ये जो रहेगा हमारा सॉर्टेड रहेगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं ले सकते, मतलब कोई भी एम्प्टी एरे असाइन नहीं कर सकते, हमें जो भी कुछ ऑपरेशंस करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है, वो नम्स वन में करनी है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोस दे के रखे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई नया एरे ले लिया और स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करके उसमें अपेंड करते चल रहे, नहीं। तो ठीक है, तो नम्स वन को ही मॉडिफाई करना है, तो देखते कि उसको कैसे कर सकते। ओके, तो कुछ नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग से एक पॉइंटर रख रहे थे, यहाँ पे दोनों के लास्ट एलिमेंट्स पे रखेंगे, इसका जो है वो 6 और इसका, ये जीरोस को ना पकड़ते हुए ये जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे पॉइंटर रखा, ठीक है। और चेक करेंगे इन दोनों में से जो भी बड़ा रहा उसको हम इस वैल्यू पे पुट करेंगे, मतलब इसके एंडिंग से पुट करते चलेंगे, लाइक इनमें से अभी जो बड़ा है इनमें 3 और 6 में से 6 बड़ा है, तो 6 को यहाँ पे पुट कर दिया, फिर ये पॉइंटर यहाँ से कट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 और 5 में से 5 बड़ा है, 5 आ गया यहाँ पे, पॉइंटर कट होके आ गया 2 पे, 2 और 3 में से 3 बड़ा है, 3 आ गया यहाँ पे, इसका पॉइंटर कट हो गया आ गया यहाँ पे। तो अब ये दोनों तो सेम है, तो इधर 2 ही आ जाएगा, और एक तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे करके हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखते, ये तो रहा लॉजिक, अभी इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करें वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज करनी हमें वो है फाइंड करना है लास्ट एलिमेंट, मतलब जो जो है कि लिस्ट वन, मतलब नम्स वन है उसका जो वो एंड वाला जीरो रहेगा उसको हमें पहले, मतलब उसका इंडेक्स हमें एक जगह पे ले लेना है। तो उसके लिए लेंगे हम के, और उसमें लेंगे m प्लस n माइनस वन, जो कि रहेगा हमारा लास्ट इंडेक्स, जो नम्स वन था उसका जो लास्ट वाला जीरो था वो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अभी हम एक लूप चलाएंगे वाइल m इज ग्रेटर देन जीरो एंड n इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अभी ठीक से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया, अगर मतलब हम m और n को माइनस करते करते जाएंगे, मतलब अगर समझो कोई एरे, एक एरे खत्म हो गया तो फिर तो हमें आउट ऑफ इन द रेंज का वो एरर आ जाएगा, इसलिए हम ये ले लिया, ठीक है। तो अभी हम करेंगे इफ नम्स वन का जो लास्ट एलिमेंट है m इज ग्रेटर देन नम्स टू के लास्ट एलिमेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा नम्स वन का जो kth एलिमेंट है
इक्वल टू नम्स वन का लास्ट एलिमेंट, मतलब जो बड़ा वाला एलिमेंट है, मतलब एम वाला, ठीक है। तो और यहाँ पे सॉरी इधर एम ने एम माइनस वन आएगा, क्योंकि जो एरे जो है उनकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया, और इधर आ जाएगा एल्स नम्स वन का kth एलिमेंट इक्वल्स टू नम्स टू का nth एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे m माइनस इक्वल्स टू वन, ये मत भूलना, यहाँ पे n माइनस इक्वल्स टू वन, क्योंकि हम पॉइंटर्स भी तो आगे सरकाएंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, ये मिल गया तो पॉइंटर एक एक करके हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए m माइनस वन और n माइनस वन वाली स्टेप है, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा इसमें, तो अभी एक एज केस क्या आएगी कि समझो जो नम्स वन है उसके जो एलिमेंट्स है वो बहुत ही कम है, और जो नम्स टू के एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है, तो नम्स वन तो खत्म हो जाएगा, और पर ये जो बचे हुए नम्स टू के एलिमेंट्स है वो हमें नम्स वन में तो डालने पड़ेंगे ना, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एक लूप चलाएंगे वाइल हम एक उसमें ले लेंगे हम वाइल एम इज सॉरी एन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब तक वो जीरो नहीं है तब तक हम चलाते रहेंगे उसको, और इधर डालेंगे उसके और हाँ इधर और एक मिस्टेक करी मैंने सॉरी कि इधर जो है हमें जो हमने जो जो लास्ट एलिमेंट लिया इसका इंडेक्सिंग का उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा हर एक बार एक से, क्योंकि हमें पीछे से भी तो आगे आगे आना पड़ेगा ना, तो वो हो गया। और इधर लेंगे हम फिर हम n मतलब जो है हमारा नम्स वन का जो nth एलिमेंट है इक्वल्स टू सॉरी kth एलिमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा नम्स टू का n वाला एलिमेंट, ठीक है। और इधर n माइनस इक्वल्स टू वन और k माइनस इक्वल्स टू वन। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, अभी रन करके देखते एक बार चेक कर लेते कि कहीं पे कुछ गलती तो नहीं करी है। तो यहाँ पे राइट जीरो 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 ठीक है, रन करके देखते हैं। इधर नम्स लिख दिया सॉरी इधर टू डालना रह गया के इधर क्या गलती हुई इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज, इधर एन माइनस वन डालना रह गया, सॉरी गाइस ये गलतियां होती रहती है कोडिंग में। और क्या गलती हुई है, अरे इधर n माइनस वन हुआ नहीं क्या, तो डन। तो टेस्ट केसेस अभी सबमिट करके देखते हैं। ओके क्वेश्चन सॉल्व। ये लीड कोड के इस पे कभी भरोसा मत करना, ये हर बार आपको अलग अलग देगा, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट लॉजिक क्वेश्चन का। तो अगर वीडियो में आपको लगा होगा कि मैंने कहीं पे भी गलती की है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ। और अगर आपके पास इसका और भी एक ऑप्टिमाइज तरीका होगा तो आप वो भी बता सकते हो। ये मैंने ये इसके और भी तरीके हो सकते हैं, पर ये तरीका समझने में काफ़ी ईजी है इसलिए ये लिया है। ओके ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।